इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जल्द ही देश का सबसे वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 11 लॉन्च करेगा। इसका वजन 5.6 टन है। हमारे पास 4 टन से ज़्यादा वजनी सैटेलाइट भेजने की कैपेबिलिटी वाले रॉकेट नहीं है, लिहाजा इसे साउथ अमेरिकी आइलैंड फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसकी कामयाब लॉन्चिंग से हमारे पास खुद का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट भी हो जाएगा, इससे हमारी इंटरनेट स्पीड भी बढ़ जाएगी। स्पेस में 3 सैटेलाइट भेजे जाएंगे दरअसल यह इसरो के इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट सीरीज का हिस्सा है। मकसद इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना है। इसके तहत अंतरिक्ष में 18 महीने में 3 सैटेलाइट भेजे जाने हैं। पहला सैटेलाइट जीसैट 19 बीते साल जून में भेजा जा चुका है। जीसैट 11 को इस साल जनवरी में और जीसैट 20 को साल के आखिरी तक भेजने की योजना है। ये तीनों मल्टीपल स्पॉट बीम टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे ऐसे बदलेगा इंटरनेट, हाई इंटरनेट स्पीड। इस क्लब में हमें बेहतरीन इंटरनेट स्पीड मिलेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी सस्ती होगी, पूरे देश तक पहुंच होगी, वायरलेस टेक्नोलॉजी का इजाद होगा। इसके तहत बिना डिश लगाए टीवी प्रोग्राम देखे जा सकेंगे। इससे स्मार्टफोन की भी दुनिया बदल जाएगी। स्मार्ट सिटीज, इससे हमें 70 GB/s की स्पीड मिलेगी यह स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी ट्रांसमिशन जितनी स्पीड है। साइबर सिक्योरिटी, एक नया सुरक्षा कवच मिलेगा, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी, बैंकिंग सिस्टम को मजबूती मिलेगी। जीसैट सैटेलाइट क्लब, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, 70 GB/s की स्पीड होगी। जीसैट 19 2017 में लॉन्च हुआ था लागत 500 करोड़ रुपए वजन 3.1 टन, कैपेसिटी 4 GBPS। यह देश का अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 4 GB/s डाटा देने की कैपेबिलिटी, भेजे गए 4 सैटेलाइट जितना ताकतवर है। जीसैट 11 जनवरी 2018 में लॉन्चिंग, लागत 1117 करोड़ रुपए, वजन 5.6 टन, कैपेसिटी 13 GB/s। ये जीसैट 19 से भी ज़्यादा ताकतवर है। इससे हमें 13 GB/s की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। इसकी लॉन्चिंग से हमें अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट मिल जाएगा। जीसैट 20 दिसंबर 2018 तक लॉन्चिंग, वजन 3.6 टन, कैपेसिटी 70 GBPS। इसे 2018 के आखिरी तक लॉन्च करने की योजना है। यह 70 GB/s की स्पीड से डाटा भेजेगा। ये तीनों सैटेलाइट एक साथ संचालन में आते ही हाई क्वालिटी इंटरनेट, फोन और वीडियो सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। मार्क 3, हमारा सबसे ताकतवर रॉकेट। इसरो ने अब तक 28 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे हैं इसरो ने अब तक 28 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे हैं
जीसैट 11 की कैपेसिटी अकेले इन सभी सैटेलाइट के बराबर है। जीसैट 11 की कैपेसिटी अकेले इन सभी सैटेलाइट के बराबर है। यह जीसैट 17 से 3-4 गुना शक्तिशाली है। यह जीसैट 17 से 3-4 गुना शक्तिशाली है। जीसैट 11 हमारा सबसे ताकतवर रॉकेट मार्क 3 है। यह 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने में कैपेबल है। अभी तक 3.4 टन वजनी जीसैट 10 हमारा सबसे वजनी सैटेलाइट रहा। यह 2012 में छोड़ा गया था। दुनिया के 16 देश अब तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज चुके हैं। दुनिया के 16 देश अब तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज चुके हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और सोवियत संघ भी अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज चुके हैं। इसके अलावा इसका मतलब यह है कि भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन और सोवियत संघ भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज चुके हैं। इसरो एक साथ 6 देशों के 31 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। 6 देशों के 31 सैटेलाइट। भारत 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस सेंटर से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट सहित 31 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई। इनमें से 28 सैटेलाइट अमेरिका के और 5 अन्य देश के होंगे। 2018 के इस पहले स्पेस मिशन के तहत पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C40 के जरिए सभी 31 सैटेलाइट छोड़े गए। इस अभियान से 4 महीने पहले नेविगेशन मिशन का 8वां सैटेलाइट छोड़ा गया था, लेकिन रॉकेट पृथ्वी के निचली कक्षा में पहुंचाने में नाकाम रहा था। इस मिशन में कार्टोसैट 2 के अलावा भारत का एक नैनो और एक माइक्रो सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में कार्टोसैट 2 के अलावा भारत का एक नैनो और एक माइक्रो सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। एक निगरानी उपग्रह के रूप में कार्टोसैट शहरी तटीय भूमि उपयोग सड़क नेटवर्क की निगरानी आदि के लिए आंकड़े मुहैया कराएगा। यह चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना।